आज हम बात करने वाले हैं कम बोलने वाले लोगों के बारे में और ज्यादा सोचने वाले लोगों के बारे में। अक्सर हम दोनों लोग ना बहुत ज्यादा यूज कर लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। लोग अपने मतलब से हमारी जिंदगी में आते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, हमें धोखा देते हैं और चले जाते हैं। हम हर बार सोचते हैं कि इस बार हम बच कर रहेंगे, इस बार हम थोड़ी चलाकी दिखाएंगे, लेकिन फिर से वही होता है। लोग आते हैं, धोखा देते हैं, मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। तो हमें कुछ लोगों से ना दूर रहना चाहिए। कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हमेशा थोड़ा दूर रहना चाहिए। कौन कौन से वो लोग हैं वही हम बताने वाले हैं। सबसे पहले लोग होते हैं जो मतलबी लोग होते हैं, जो इनका काम ही मतलब निकालना होता है, जो लोगों की जिंदगी में आते ही इसीलिए हैं ताकि उनका मतलब निकल पाए। अब ऐसे में ये ढूंढते हैं आसान शिकार, और हमसे ज्यादा आसान शिकार कौन होगा जो लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेता है। ये हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारे लिए कुछ दो चार अच्छे काम करते हैं, हमारा जो भरोसा है वो जीत लेते हैं। क्योंकि हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं तो इन पे भरोसा तो हो ही जाता है। हमें लगता है कि ये लोग हमारी जिंदगी में आए हैं तो हमेशा रहेंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हम इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, इनको अपने सीक्रेट्स बताते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब इनका काम निकलता है तो ये लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। इनका मकसद पूरा हो चुका होता है लेकिन हमारे जिंदगी में खालीपन आ जाता है, एक अकेलापन आ जाता है जो कि कभी भी नहीं भर पाता। हम एक चीज से गुजरते हैं, एक के धोखे से गुजरते हैं तो दूसरा व्यक्ति आता है, वो हमें धोखा देकर चला जाता है। यानी कि अभी एक मुसीबत गई ही नहीं थी कि दूसरी मुसीबत आ चुकी है। ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और हम उसी में फंसकर रह जाते हैं। इन लोगों का मकसद होता है सिर्फ एक, कि हमें सिर्फ धोखा देना है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये हमेशा हमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। ये हमारी जिंदगी में आकर हमें ऐसा दिखाते हैं कि ये हमारी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि अहम हिस्सा जब टूट जाता है तो फिर बहुत दुख होता है, और दुख हमें होता है। ये तो अपनी जिंदगी में चले जाते हैं, लेकिन फिर मैं यही आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। जैसे ही कोई आपको दिख जाए कि अपने मतलब के लिए आया है तो उनसे हमेशा दूर हो जाइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ही बने हैं और धोखा देकर चले जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, या कहें जिनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना होता है। ये लोग बड़े चलाक होते हैं, ये अपनी जिंदगी में तो अपना काम करते रहते हैं लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करते रहते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो खुद बहुत अच्छा पढ़ते थे या जो खुद तो बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उनसे हिदायत लेने जाता है, कुछ पूछने जाता है, तो उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। उसको या तो ऐसा दिखाएंगे कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, क्या फायदा ये सब करने से, या तो उसको डिमोटिवेट देंगे। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास अगर आप अपनी समस्या लेकर जाएं तो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं रखा इन चीजों में। आप अगर बोलेंगे उनसे कि यार मेरे जिंदगी में मुझे पैसा कमाना है तो बोलेंगे अरे पैसे में क्या रखा है। खुद वो बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, खुद बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, और नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने खुद की भी जिंदगी बेड़ा गर्क कर रखी होती है और दूसरों का भी करने का ठेका ले रखा होता है। ये खुद की जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे होते, इनका कोई मकसद नहीं होता लाइफ का, और दूसरों को भी ऐसा ही बनाते हैं। कुछ आपने दोस्त ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं अरे जिंदगी का नाम ही मस्ती है, मस्ती नहीं कि जिंदगी में तो भला क्या किया, पैसा वैसा तो कमाते रहेंगे यार, मस्ती करो, नशे करो, गर्लफ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, बस यही तो जिंदगी है। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि सब काम करने के लिए पहले लाइफ में सक्सेस हासिल करनी पड़ती है। अब इनकी भी गलती नहीं है, इनके माँ बाप ने इनको इतना लाड प्यार किया होता है, इतना पैसा दिया होता है, कि इनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि यार क्या करेंगे यार, ये करके छोड़ना हमसे नहीं हो पाएगा यार, हमारे बस की नहीं है यार, कभी और करेंगे, कभी और सोचेंगे, अरे कल देखेंगे यार, अरे छोड़ना यार, अरे आज ये करते हैं आज वो। ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहिए, क्योंकि ये खुद भी बर्बाद हो रहे हैं और आपको तो करके छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि जो हमेशा ना दुखी रहते हैं, जिनका काम ही होता है हमेशा दुखी दुख बांटना, कि यार मेरी लाइफ में ये भी खराब चल रहा है, मेरी लाइफ में वो भी खराब चल रहा है, वो छोड़ के चली गई, अरे पैसा नहीं है भाई, मम्मी भी ऐसे डांट रही हैं, पापा भी साथ नहीं दे रहे, ये हमेशा दुख ही रहते हैं भाई। इनका जिंदगी में काम ही यही होता है कि आए हैं और लोगों पे ढीकरा फोड़ेंगे कि भाई ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, ये कभी खुश नहीं रह सकते। देखो कई बार तो लोगों की सच में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं, लेकिन ये लोग वो होते हैं जो हमेशा हमेशा दुखी रहते हैं। इनको तुम तमाम सुविधा दे दोगे, सारी चीजें दे दोगे,
लोगे जो इनको चाहिए, लेकिन तब भी ये ना कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहेंगे दुखी होने का। तो ऐसे लोगों से खास कर दूर रहना चाहिए। तीसरे लोग वो जो सबसे प्यार दिखाते हैं, जो सबको अपनापन दिखाते हैं, जो सबको ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत खास हूँ, लेकिन ये खास किसी के नहीं होते। आपने सुना होगा कि जो सबको अपनापन दिखाते हैं वो अपने किसी के नहीं होते, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रखे रखिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको दिखाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। किसी और की ज़िंदगी में जाते हैं तो यही दिखाते हैं, फिर तीसरे की ज़िंदगी में, चौथे की ज़िंदगी में। इनका मकसद ही यही होता है कि ये सबको खुश रखें, और जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो किसी को खुश नहीं रख पाता, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई सबको पता लग ही जाएगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। ये बड़ी बड़ी बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, और इनकी बातों में आप ज़रूर आ जाएंगे। तो जो बातें अच्छी करते हैं, सबके साथ बातें अच्छी करते हैं, उनका मकसद आपसे ही नहीं है, सबसे है। सबसे कोई ना कोई मतलब निकालेंगे, मकसद निकालेंगे, सबसे अपनापन दिखाएंगे और फिर सबको ही छोड़कर चले जाते हैं। अब खुद सोचकर देखिए, जिनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, भला वो आपके साथ क्यों रहेगा? आपसे बेहतर कोई इंसान मिलेगा तो उसके साथ जाएगा, उससे बेहतर कोई इंसान मिलेगा तो उसके साथ जाएगा। तो ऐसे लोगों से खासकर थोड़ा बच कर रहिए। जो सबको अपनापन दिखाते हैं ना, उनसे थोड़ा बच कर रहिए भाई। इनसे बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। आपसे आपकी बातें समझेंगे, दूसरे से उसकी बातें समझेंगे, उसकी बातें आपको बताएंगे, सो दैट कि आपको लगे कि यार आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये सारे सीक्रेट्स बताता है, और आपके सीक्रेट्स उसको बताएंगे। उसका क्या गया? कुछ भी नहीं गया। आपका सीक्रेट गया, उस सामने वाले का सीक्रेट गया, लेकिन जो बता रहा है उसका क्या गया? कुछ भी नहीं गया। तो आप दोनों लड़ लोगे, आप दोनों ही भिड़ लोगे, वो आराम से पतली गली से निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा बच के रहिए। चौथे लोग जिनसे आपको बच के रहना चाहिए, जो बहानेबाजी करते हैं, जिनका काम ही होता है बहाने बनाना कि यार जिंदगी में हम ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, जिंदगी में हम वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वो नहीं था, अगर हमारे पास ये होता तो हम वो करके दिखा देते। अरे उसने तो कुछ भी नहीं, अरे अंबानी ने तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया, मेरा बाप धीरू भाई अंबानी होता तो मैं तो कैसे क्या कर जाता। बड़ी बड़ी बातें फेंकना, बहानेबाजी करना, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना नहीं है। ये वही लोग होते हैं जिनको लाइफ में कभी भी मेहनत करनी ही नहीं है, ये सिर्फ बैठे बैठे खाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं और सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया और दूसरे को भी नहीं करने देते। इनके साथ आप रहेंगे तो आप भी अपना टाइम बर्बाद करेंगे घूमने फिरने में, ऐशबाजी में, नशे में, है ना। तो इन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इनके साथ रह के फिर आप भी बहानेबाजी करेंगे कि यार मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, और मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहिए। और पांचवे लोग वो जो घमंडी होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे का गुरूर होता है, जो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पापा के पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे घर पे ऐसा है, मेरे घर पे वैसा है। लोगों को नीचा दिखाना, अपने बड़ाई करना, अपने बाप के पैसों पे ऐश मारना, इनका काम बस यही होता है। अब देखो भाई, अगर तो तुम्हारा पैसा होता तो तब भी हम सुन लेते, लेकिन वो जो पैसा तुम्हारा है भी नहीं, तुम्हारे बाप का है, उस पर क्यों इतरा रहे हो भाई? मतलब खुद मेहनत करो, खुद कमाओ। ये कभी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इनके बाप दादाओं ने इतना किया होता है कि उस पर ही अकड़ रहे होते हैं। बाप का बिजनेस होता है, बाप बहुत कमा रहा होता है, या जैसे भी बाप के पास नंबर दो का पैसा होता है, उससे बहुत इतराते हैं, बहुत घमंड में रहते हैं। और ये घमंड में है, इनसे हमें दिक्कत नहीं है, ये घमंड में रह के हमें नीचा दिखाते हैं, इससे दिक्कत है। तो आप इनके साथ रह के ना अपने आप को हीन भावना में समझोगे कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, यार मेरे पास भी काश ऐसा होता, आप खुद को डिमोटिवेटेड समझोगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्रांड्स व्रांड्स की बातें, कार्स की बातें, ये बातें वो बातें कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, मैं यहाँ घूमने गया, मैं इस कंट्री में गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इनसे रहकर, इनके पास रहकर कोई फायदा नहीं है। तो इन पांच लोगों से हमेशा दूर रहिए, आप लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियो है, बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, प्लीज़ ब्रेकअप पे मोटिवेशन है वो, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा मेरे कहने पे।